फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, मतलब उसकी मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग कुछ प्रिवेंशन कैसे करना है और उसका ड्रग्स वगैरह कैसे देने हैं, बाद में उसके इंटरवेंशन कैसे करना है, ये जब धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ एंजाइनल अटैक, हमको प्रिवेंशन कैसे करना है, एंजाइनल अटैक को कैसे प्रिवेंट करना है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, फिर उसको डायटरी मैनेजमेंट आ गया, उसके हैबिट मैनेजमेंट वगैरह आ गया, जिसको हमें मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को जो फिजिकल एक्जर्शन है ना वो रिड्यूस करना है। ठीक है, पेशेंट को वैसे फिजिकल एक्जर्शन रिड्यूस करना है, क्योंकि उसकी जितना फिजिकल एक्जर्शन करेगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा और उतना चेस्ट पेस्ट वगैरह एग्रेवेट होता है। ठीक है, इसलिए पेशेंट को बोलना है कि फिजिकल एक्जर्शन शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, बाद में जो डाइट में क्या है, लो साल्ट डाइट देना है, नमक खाने में नमक कम देना है, लो कैलोरी डाइट देना है। ठीक है, बाद में लो फैट डाइट देना है, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोटिक जो चेंजेस वगैरह होते हैं ना उसको हमें कम करना है। इसलिए जो पेशेंट को लो साल्ट डाइट, लो कैलोरिक डाइट, लो फैट डाइट, ये तरह से डाइटरी मैनेजमेंट बताया फ्रेंड्स पेशेंट को। ठीक है, बाद में कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स, इसमें कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आ गया, सबसे पहले पेशेंट को डायबिटिक वगैरह है तो उसको डायबिटीज कंट्रोल में करना है। ठीक है, कंट्रोल रिस्क फैक्टर में कैसे डायबिटीज आ गया, बाद में कुछ हैबिचुअल पेशेंट को समझो अल्कोहलिक है तो अल्कोहल को भी कम करना है। ठीक है, अल्कोहल को कम करना है, पेशेंट समझो स्मोकर है तो उसको स्मोकिंग स्टॉप करनी है, ये जरा सा कंट्रोल रिस्क फैक्टर्स में है उसके कंट्रोल करना है हमें। ठीक है, ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ एंजाइनल अटैक्स के लिए, जो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल है ये जरा सा चेंज करना है। ठीक है, बाद में हम लोग अभी देखते हैं उसके एक्चुअल ड्रग मैनेजमेंट, पेशेंट में ड्रग मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, ड्रग मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है फ्रेंड्स नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स में सबसे नाइट्रेट्स क्या कैसे वर्क करते हैं फ्रेंड्स, नाइट्रेट्स में जो नाइट्रस ऑक्साइड रहता है ना, जो नाइट्रस ऑक्साइड जो फ्री रेडिकल है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का काम करता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का काम करता है, इसलिए जो क्या करता है वेसल्स को डायलेट करता है, इसलिए क्या करता है ये फिर कोरोनरी वेजो डायलेशन क्रिएट करता है, कोरोनरी वेजो डायलेशन करता है ना। ठीक है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो फ्री रेडिकल है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है, इसकी वजह से वो क्या होता है कोरोनरी वेजो डायलेशन होता है। ये कैसे होता है, लेकिन ये कैसे पोटेंट वेजो डायलेटर्स में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नाइट्रेट्स आर द पोटेंट वेजो डायलेटर्स है। ठीक है, इसलिए नाइट्रेट्स को बोलते हैं पोटेंट वेजो डायलेटर्स, इसलिए कोरोनरी वेजो डायलेटेशन अच्छी तरह से करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में सिलेक्शन ऑफ नाइट्रेट्स डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट की कंडीशन देखिए, मतलब ओल्ड एज वगैरह है, पेशेंट को चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा है, वो अग्रेवेट होकर समझो एक्यूट माइक्रो इन्फेक्शन में भी जा सकता है, ऐसे पेशेंट में कैसे नाइट्रेट्स वगैरह यूज करना है फ्रेंड्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द नाइट्रेट्स शुड बी डिपेंड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, इसलिए इन अनस्टेबल एंजाइना आइसोसॉर्बिक डायनाइट्रेट टैबलेट रहती है। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना में आइसोसॉर्बिक डायनाइट्रेट 5 mg की रहती है, 10 mg की रहती है, ये 6 to 8 hourly देना है फ्रेंड्स। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट में अच्छी तरह से वर्क होता है इसका, इसलिए उसका जो अच्छी तरह से मतलब पोटेंट उसका यूज अच्छी तरह से आना है तो उसको सबलिंगुअली देना है। सबलिंगुअली देना है तो कैसे लिपिड सॉल्युबल रहता है ये आइसोसॉर्बिक डायनाइट्रेट वगैरह, ये सबलिंगुअली दिया तो कैसे डायरेक्ट लीवर बाईपास करके सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है और डायरेक्ट एकदम कम टाइम में इसका इफेक्ट स्टार्ट होना दिख जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको इन अनस्टेबल एंजाइना आइसोसॉर्बिक डायनाइट्रेट 5 mg 10 mg 6 to 8 hourly में भी गिवन बाय सबलिंगुअली फॉर द बेस्ट इफेक्ट। ठीक है, ये आइसोसॉर्बिक डायनाइट्रेट टैबलेट आती है। ठीक है, ये 5 mg में आते हैं, 10 mg में आते हैं, ये बीडी में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके साथ साथ उसके एनालॉग भी है आइसोसॉर्बिक मोनोनाइट्रेट वगैरह, लेकिन सॉर्बिट्रेट नाम से बहुत फेमस ब्रांड है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे अनस्टेबल एंजाइना में ये नाइट्रेट्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये इसको पोटेंट वेजो डायलेटेशन में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पोटेंट वेजो डायलेटेशन में आते हैं, इसमें नाइट्रेट्स का अच्छी तरह से यूज इसमें इसी में खाटिस में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये फिर अभी है कैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी क्या फ्रेंड्स, ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का काम करते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, CCB कौन से वर्क पे काम करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके कैसे स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है तो अपने आप क्या करता है फिर वेसल्स डायरेक्ट करता है। ठीक है, CCB क्या करती है फिर कोरोनरी वेजो डायलेशन करता है, इट इंक्रीजेस पीरियड ऑफ डायस्टोल, कोरोनरी वेसल्स को डायरेक्ट कर रहा है तो पीरियड ऑफ डायस्टोल भी बढ़ रहा है, उसको कोरोनरी को ब्लड फ्लो अच्छी तरह से हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए ये इस्केमिक हार्ट डिजीज पेशेंट में CCB का अच्छे तरह से रोल होता है। ठीक है, जरा से देखेंगे अभी कोरोनरी वेजो डायलेशन इंक्रीजेस पीरियड ऑफ डायस्टोल, हेंस क्या होता है फिर डायलेशन क्या करती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है ना, इसलिए वेसल्स को डायरेक्ट करते हैं, जो आर्टरीज को डायरेक्ट करता है तो क्या फिर रिडक्शन इन द आफ्टर लोड, जो समझो अभी हम जरा से देख लेते हैं। ठीक है, हार्ट है समझो, ठीक है हार्ट है, ये लंग्स में जाता है। ठीक है, ये सुपर वेन के बाद ये इंफेरियर वेन के बाद, ठीक है
ये क्या हो रहा है फिर डायरेक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, आर्टेरियोल्स को डायरेक्ट कर रहा है, तो क्या पड़ता है फिर ये आफ्टर लोड जो होता है ना, ये आफ्टर लोड कम होता है, ठीक है, आर्टेरियोल्स को डायरेक्ट किया तो रिडक्शन इन द आफ्टर लोड, और समझो वेनस को डायरेक्ट कर रहा है, वेन्स को डायरेक्ट कर रहा है तो रिडक्शन इन द प्री लोड, वेन्स को समझो डायरेक्ट कर रहा है, वेन्स को डायरेक्ट कर रहा है तो क्या होता है रिडक्शन इन द प्री लोड, इट रिलेटेड विद द वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग में, ठीक है, ये वेन्यूल्स को डायरेक्ट कर रहा है, वेन्यूल्स को डायरेक्ट कर रहा है तो क्या करेगा फिर ये प्री लोड को कम कर रहा है, ठीक है, और जो आर्टरीज को डायरेक्ट कर रहा है ना, आर्टरीज को डायरेक्ट कर रहा है तो क्या होता है फिर ये आफ्टर लोड कम कर रहा है, समझे, ठीक है, और एक बार देख लेते हैं सीसीबी क्या करते हैं, सीटीजी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, स्मूथ मसल रिलैक्स करता है तो कोरोनरी वैजुअल डायलेशन करता है, कोरोनरी वैजुअल डायलेशन करता है, इंक्रीजेस पीरियड ऑफ डायस्टोल बढ़ाता है, इसलिए डायलेशन से क्या होता है फिर समझो डायलेशन करता है तो आर्टरीज का समझो डायलेट करता है तो क्या होता है फिर रिडक्शन इन द आफ्टर लोड, रिडक्शन इन द आफ्टर लोड, एंड वेन्स को डायलेट कर रहा है तो रिडक्शन इन द प्री लोड, इट इज रिलेटेड विद द वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है, ए सी सी बी में कौन से लगाते हैं फिर एमलोडिपिन 24 2.5 mg 500 10 mg आते हैं, और निफेडिपिन 10 mg 20 mg में ओडीआर विद उसको देना है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हो गए एमलोड नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये दोनों कैसे वर्क करते हैं फिर कोरोनरी वैजोडायलेशन का काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों कैसे वर्क करते हैं फिर कोरोनरी वैजोडायलेशन का काम करते हैं, कोरोनरी वैजोडायलेशन का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए ये दोनों नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसे वर्क करते हैं कोरोनरी वैजोडायलेशन पे, ठीक है,